हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं, उस वीडियो का टाइटल है टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, लेट्स गो। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 2023 के अंदर ख़त्म हो रहे हैं। ये वो वाले प्रोजेक्ट्स हैं, तो लेट्स गो देखते हैं इनमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। और अगर आप लोगों ने भी कोई वीडियो सजेस्ट करनी होती है तो हम दोनों के इंस्टाग्राम्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, फॉलो करना है और स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम इंडिया के 10 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर बात करेंगे जो कि इसी साल यानी कि 2023 में बनकर कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने 10वें प्रोजेक्ट के बारे में, जिसको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये बिल्कुल नया और ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। यानी कि अच्छा, नोएडा का नाम काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ों में सुनने के लिए आता है। शायद ये कोई ग्रोइंग सिटी है या कुछ इस तरीके इस से। एयरपोर्ट को बिल्कुल स्टार्टिंग से बनाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध जिले के जेवर में देखने को मिलेगा, इसी कारण इसको जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जा रहा है। अब जो ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये दिल्ली NCR, नोएडा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से आने वाले जो पैसेंजर्स हैं, उन सभी लोगों को इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। और मैं आपको बता दूं कि इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टोटल 4 फेसेस में कंप्लीट किया जाएगा। और जब ये चारों फेज बनकर कंप्लीट हो जाएंगे तो बताया जा रहा है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो एक साल की पैसेंजर्स की कैपेसिटी होगी वो हमें 70 मिलियन देखने को मिलेगी। यानी कि एक साल में 7 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर पाएंगे। और इस एयरपोर्ट पे आपको 2 टर्मिनल बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी जो कि 5,000 एकड़ के एरियाज में फैली है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो फेज 1 है वो एक साल में 1,20,00,000 पैसेंजर्स को सर्विस प्रोवाइड करेगा। और अगर बात करें फेज 1 के प्रोग्रेस के बारे में, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो फेज 1 है उसने 20% की जो प्रोग्रेस है वो रीच कर ली है। और दोस्तों, फेज 1 के एरोडोम का वर्क भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं कि एरोडोम ऐसी लोकेशंस को बोला जाता है जहां पर एरोप्लेन्स को पार्क किया जाता है और एरोडोम में ही फ्लाइट से रिलेटेड सभी प्रकार के ऑपरेशंस किए जाते हैं। बताया जा रहा है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो फेज 1 है वो काफी जल्दी बनकर रेडी हो जाएगा, लेकिन फेज 1 को पब्लिक के लिए सितंबर 2024 में ओपन कर दिया जाएगा। और अगर बात करें अपने 9th प्रोजेक्ट के बारे में, तो अपना नोवा प्रोजेक्ट है दिल्ली मेरठ RATS कॉरिडोर। दोस्तों, 2023 में इंडिया की जो पहली रैपिड रेल है वो एक रियलिटी बनने वाली है, क्योंकि 2023 में 17 किलोमीटर लंबे सेक्शन को पब्लिक के लिए ओपन किया जाने वाला है। और ये 17 किलोमीटर लंबा सेक्शन आपको साहिबाबाद और दुहाई के बीच में देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, ये जो दिल्ली और मेरठ के बीच में बनाया जाने वाला RATS कॉरिडोर है, इसकी टोटल लंबाई हमें 82 किलोमीटर देखने को मिलती है, जिसमें से 17 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को 2023 में ही ओपन कर दिया जाएगा, जो कि इस पूरे 82 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का 20% होता है। अब अगर बात करें RATS प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये इंडिया का एक काफी यूनिक प्रोजेक्ट है जो कि दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ यानी कि 3 सिटीज को कनेक्ट करेगा, वो भी हाई स्पीड ट्रेन्स के द्वारा। क्योंकि इस कॉरिडोर पर चलाए जाने वाली जो RATS ट्रेन है उसको 180 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन RATS ट्रेन को 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलाया जाएगा। और RATS 160 की भी स्पीड ठीक ठाक होती है, मतलब 3 शहर एक, मतलब इतना जो गाड़ी में जो टाइम लगेगा उससे तो कम ही लगेगा मेरे ख्याल से। ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो हमें 100 किलोमीटर पर आवर देखने को मिलेगी। अब जो ये पूरा 82 किलोमीटर लंबा RATS कॉरिडोर है वो दिल्ली के सराय काले खां से स्टार्ट होता है और उत्तर प्रदेश के मेरठ में मोदीपुरम तक जाता है। और इस पूरे RATS कॉरिडोर पे आपको टोटल 25 स्टेशन देखने को मिलेंगे, जिसमें से 22 स्टेशन आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे और बाकी के बचे हुए 3 स्टेशन आपको दिल्ली में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा 82 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है वो 2025 में बनकर रेडी हो जाएगा। और अगर बात करें अपने 8वें प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, मुंबई को इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल भी बोला जाता है और मुंबई में काफी बड़ी संख्या में लोग इंटरनेशनल फ्लाइट को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुंबई में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर काफी कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिलते हैं, जिस कारण मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हमें काफी ज्यादा भीड़ भाड़ भी देखने को मिल सकती है। इसी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए अब नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने का काम शुरू किया गया है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो
जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी एक साल की पैसेंजर्स की कैपेसिटी 60 मिलियन होगी। यानी कि ये नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक साल में 6 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा। और बताया जा रहा है कि इस नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा एक साल में 15 लाख टन कार्गो को भी ट्रांसफर किया जा सकता है प्लेन्स के द्वारा। और मैं आपको बता दूं कि इस एयरपोर्ट का जो वर्क है वो फुल स्विंग में जारी है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि मुंबई के अंदर हमें जमीन को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, लेकिन आपको जानकर ये काफी ज्यादा अच्छा लगेगा कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जो भी जमीन की जरूरत थी, यानी कि जो लैंड एक्वायर करने का प्रोसेस था, वो सक्सेसफुली कम्प्लीट हो चुका है। और बताया जा रहा है कि ये एयरपोर्ट दिसंबर 2024 तक बनकर कम्प्लीट हो जाएगा। अब अगर बात करें अपने 7th प्रोजेक्ट के बारे में, तो अपना 7वां प्रोजेक्ट है बेंगलुरु मेट्रो। दोस्तों 2023 में हमें बेंगलोर के अंदर नम्मा मेट्रो के द्वारा एक काफी बड़ा माइलस्टोन अचीव किया जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो नम्मा मेट्रो है, नम्मा मेट्रो के द्वारा कमर्शियल ऑपरेशन के लिए काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले किया जाएगा। बेसिकली बताया जा रहा है कि जो ये नम्मा मेट्रो है वो बिजनेस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो बेंगलोर की बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसके द्वारा 40 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन को काफी जल्दी पब्लिक के लिए ओपन किया जाने वाला है। और ये जो 40 किलोमीटर लंबी मेट्रो है वो 2 IT कॉरिडोर को एक साथ कनेक्ट कर देगी, जिनके नाम है व्हाइट फील्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो इन दोनों IT कॉरिडोर को ये जो मेट्रो है वो एक साथ कनेक्ट कर देगी, जिसके कारण इन दोनों सिटीज के बीच में होने वाला जो बिजनेस है वो भी काफी ज्यादा ग्रो होगा और पैसेंजर भी आसानी से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएंगे। बताया जा रहा है कि 2023 के बीच में एक 15 किलोमीटर लंबी पर्पल लाइन और एक 19 किलोमीटर लंबी येलो लाइन को पब्लिक के लिए 2023 के मिड में ही ओपन कर दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ग्रीन लाइन को भी इसी साल ओपन किया जा सकता है। तो अब अगर बात करें अपने 6th प्रोजेक्ट के बारे में, तो अपना 6th प्रोजेक्ट है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। दोस्तों इंडिया के द्वारा समुन्द्र पे बनाए जाने वाले सबसे लंबे ब्रिज को मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि ये समुन्द्र पे बनाया जाने वाला इंडिया का अभी तक का सबसे लंबा ब्रिज होगा। और मैं आपको बता दूं कि इस ब्रिज के बनने के बाद मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट, ये वो मुंबई की सारी ट्रैफिक को, ट्रैफिक से बचने के लिए, क्योंकि शहर के अंदर ट्रैफिक ज्यादा हो जाती तो पूरी ट्रैफिक बाहर बाहर से ये लेके जाएंगे, कर दिया जाएगा। अब जो ये मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है, इसको सी लिंक भी बोला जा रहा है, क्योंकि इसको समुंदर के ऊपर बनाया गया है। तो बेसिकली दोस्तों करंटली अगर आप साउथ मुंबई से नवी मुंबई जाते हो तो प्रेजेंट टाइम में आपको 2 घंटे से भी ज्यादा का समय लगता है, लेकिन जब ये मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक बनकर रेडी हो जाएगा तो इस ब्रिज के बन जाने के बाद आप साउथ मुंबई से नवी मुंबई केवल 20 मिनट में ही जा पाओगे। और मैं आपको बता दूं कि ये मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक 22 किलोमीटर लंबा एक ब्रिज है, और इसके अलावा ये 6 लेन वाला ब्रिज है। अब मैं आपको बता दूं कि इस 22 किलोमीटर लंबे ब्रिज में से 16.5 किलोमीटर लंबा जो ब्रिज है वो आपको समुंदर के ऊपर देखने को मिलेगा, बाकी का जो 5.5 किलोमीटर लंबा ब्रिज है वो आपको लैंड यानी कि जमीन पर वायडक्ट के रूप में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों आपको जानकर ये काफी ज्यादा अच्छा लगेगा कि दिसंबर 2022 में ही इस ब्रिज का 91% काम ऑलरेडी कम्प्लीट हो गया था, और 2023 में ही इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। और अब अगर बात करें अपने 5वें प्रोजेक्ट के बारे में, तो अपना 5वां प्रोजेक्ट है मुंबई मेट्रो। दोस्तों एक के बाद एक हमें मुंबई के लोगों के लिए काफी ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। इसी कारण बताया जा रहा है कि 2023 में मुंबई के लोगों के लिए 2 मेट्रो लाइन को ओपन किया जाएगा, और इन मेट्रो लाइन को 2A और 7 बोला जा रहा है, और इन दोनों मेट्रो लाइन को येलो और रेड लाइन के नाम से भी जाना जाएगा। इसके अलावा मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा मुंबई की मेट्रो लाइन 3 को भी 2023 में ही पब्लिक के लिए ओपन किया जाने वाला है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो मेट्रो लाइन 3 है उसकी लंबाई हमें 33.5 किलोमीटर देखने को मिलती है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 34 किलोमीटर लंबी होगी ये मेट्रो लाइन 3, और इस मेट्रो को अंडरग्राउंड टनल से भी गुजारा जाएगा। और पता जा रहा है कि मेट्रो लाइन 3 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस मेट्रो लाइन 3 के द्वारा मुंबई के की फाइनेंशियल हब को कनेक्ट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए नरीमन पॉइंट, BKC, लोअर पैरल एयरपोर्ट, CEEPZ और MIDC जैसे प्लेसेस को भी मेट्रो ये कनेक्ट करेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मेट्रो लाइन 3 को 2023 में ही पब्लिक के लिए ओपन करने की प्लानिंग की जा रही है, तो काफी जल्दी हमें मुंबई के अंदर एक मेट्रो का जाल देखने को मिलने वाला है। अब अगर बात करें अपने 4th प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो है वो पूरा का पूरा मुंबई में जाल बिछा रहे हैं, और हमारे यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर कोई मेट्रो नहीं है।
कोची वाटर मेट्रो। अब दोस्तों इसका नाम बेशक कोची वाटर मेट्रो अच्छा, है वाटर मेट्रो। लेकिन अभी तक जो आपने इंडिया में मेट्रो ट्रेन्स देखी है मतलब ये कोची वाटर मेट्रो उन सभी मेट्रो से काफी ज्यादा अलग होने वाली है, क्योंकि इस मेट्रो को जमीन पर नहीं चलाया जाने वाला है। ये मेट्रो टाइप की ये शिप होती है, ये यॉट्स टाइप होती है, ये एक शहर से दूसरी शहर ये मतलब पानी से क्रॉसिंग के लिए यूज होती है। ये दुबई में ये चल रही है, सॉरी शारजा में। बल्कि जैसा कि हम इसके नाम से ही जानते हैं कि ये कोची वाटर मेट्रो है, और ये जो मेट्रो है इसको पानी में चलाया जाएगा, और ये एक प्रकार से हमें बोट की तरह ही देखने को मिलेगी। हाँ, और ये इंडिया की पहली ऐसी मेट्रो है जिसका काफी लंबे समय से इंतजार भी किया जा रहा था। और मैं आपको बता दूं कि 2023 में ही आप कोची वाटर मेट्रो में ट्रेवल कर पाएंगे। दोस्तों इस वाटर मेट्रो का जो कोची वाटर मेट्रो नाम रखा गया है वो केरला से इंस्पायर्ड होकर रखा गया है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि केरला के अंदर हमें काफी ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है, यानी कि केरला एक डेंसली पॉपुलेटेड प्लेस है। अब दोस्तों केरला में हमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि यहाँ पर नॉर्मल मेट्रो को नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक नॉर्मल मेट्रो को बनाने के लिए जो एनवायरमेंट है वो सही नहीं है, क्योंकि केरला के अंदर आपको लैंड कम देखने को मिलता है लेकिन आईलैंड काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। जगह जगह पर पानी आपको केरला में देखने को मिल जाएगा, तो इसी कारण एक नॉर्मल मेट्रो को केरला में बना पाना पॉसिबल नहीं था। तो यही कारण है कि अब आपको केरला में कोची वाटर मेट्रो देखने को मिलेगी, जिसको अभी के लिए टोटल 15 रूट पे चलाया जाएगा। और ये जो टोटल 15 रूट है वो टोटल 10 आइलैंड को कनेक्ट करेंगे, वो भी अच्छा। 78 किलोमीटर लंबे डिस्टेंस पर। और बताया जा रहा है कि जो ये कोची वाटर मेट्रो है वो डेली 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। और अगर बात करें अपने तीसरे प्रोजेक्ट के बारे में, तो अपना तीसरा प्रोजेक्ट है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि इंडियन रेलवे सेक्टर में जो पैसेंजर ट्रेन या फिर जो माल गाड़ियां होती है उन सभी को एक ही ट्रैक यानी कि एक ही प्रकार की पटरियों पे चलाया जाता है। इसी कारण दोस्तों पैसेंजर ट्रेन ऑन टाइम पर अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाती है, और इसी के साथ जो मालगाड़ियां होती है वो भी टाइम पर अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाती है। बेसिकली दोस्तों जब एक ही ट्रैक पर से मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन दोनों को गुजरना होता है तो सबसे पहले इंडियन रेलवे के द्वारा पैसेंजर ट्रेन को उस रूट से भेज दिया जाता है, लेकिन मालगाड़ियों को रोक लिया जाता है, वो भी काफी लंबे समय के लिए। यानी कि जब तक ट्रैक पर से पैसेंजर ट्रेन नहीं गुजर जाती है तब तक मालगाड़ी को रोक कर ही रखा जाता है, और जब पैसेंजर ट्रेन ट्रैक पर से गुजर जाती है तो उसके बाद मालगाड़ियों को चलाया जाता है। लेकिन दोस्तों इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए इंडियन रेलवे के द्वारा एक मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि अब एक अलग से नई रेलवे लाइन को बिछाया जा रहा है, और इस नई रेलवे लाइन पर केवल मालगाड़ियों को ही चलाया जाएगा, जिसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। तो यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बनने के बाद मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन को अब एक ही ट्रैक पर नहीं चलाया जाएगा, बल्कि जो मालगाड़ी यानी कि जो फ्रेट ट्रेन होगी वो अब केवल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर ही चलेगी। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा कि इसमें अगर सामान को भी डिस्टरबेंस नहीं होगी आने जाने में, और लोगों को भी डिस्टरबेंस नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं कि करंटली इंडिया में 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बनाया जा रहा है, जिनमें से एक हमें वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देखने को मिलता है, जिसकी लंबाई 1506 किलोमीटर होगी। और ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के दादरी से स्टार्ट होता है और महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में जाकर एंड होता है। लेकिन अगर बात करें दूसरे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में, तो उसे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई हमें 1337 किलोमीटर देखने को मिलेगी। और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पंजाब के लुधियाना से स्टार्ट होता है और वेस्ट बंगाल के सोन नगर में जाकर एंड होता है। तो यानी कि अगर दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को मिला लिया जाए तो दोनों कॉरिडोर की जो लंबाई है वो हमें लगभग 3400 किलोमीटर देखने को मिलती है। और मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर 2022 तक 3400 किलोमीटर लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में से 2850 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को ऑलरेडी ओपन किया जा चुका है। और अब बताया जा रहा है कि जो बचा हुआ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसका 2023 में ओपन कर दिया जाएगा। अब दोस्तों अगर बात करें अपने दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में, तो अपना सेकंड मेगा प्रोजेक्ट है गंगा एक्सप्रेसवे। दोस्तों जो ये गंगा एक्सप्रेसवे है ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने वाला है, जो कि 12 जिलों में से होकर गुजरेगा। और ये एक 6 लेन एक्सप्रेसवे होगा जिसको 8 लेन तक भी एक्सपेंड किया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि ये गंगा एक्सप्रेसवे एक एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, जो कि उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट को कनेक्ट करेगा। अब दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। और मैं आपको बता दूं कि इस गंगा एक्सप्रेसवे को बनाने का जो काम है वो IRB डेवलपर और अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड को दिया गया है,
और ये गंगा एक्सप्रेसवे एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे होगा, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग से इस एक्सप्रेसवे को बनाया जाएगा। और बताया जा रहा है कि जो गंगा एक्सप्रेसवे की टोटल लंबाई होगी वो लगभग 594 किलोमीटर लंबा होगा। और बताया जा रहा है कि जो पूरा एक्सप्रेसवे है वो अप्रैल 2024 तक बनकर कंप्लीट हो जाएगा और इसे पब्लिक के लिए भी ओपन कर दिया जाएगा। और दोस्तों अपना जो पहला मेगा प्रोजेक्ट है वो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दोस्तों ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है वो इंडिया के लिए काफी ज्यादा स्पेशल और काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये इंडिया का अभी तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने वाला है, जिसकी लंबाई हमें 1390 किलोमीटर देखने को मिलती है, यानी कि लगभग 1400 किलोमीटर लंबा होगा ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। और मैं आपको बता दूं कि अगर करंटली आप दिल्ली से मुंबई जाते हैं तो आपको लगभग 24 घंटों का समय लगता है, लेकिन इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद आप दिल्ली से मुंबई केवल 13 घंटों के अंदर ही पहुंच पाएंगे। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को बनाने में 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा का खर्च आएगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्सप्रेसवे है वो गुड़गांव के सोना से स्टार्ट होता है और मुंबई में जाके एंड होता है। और इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये एक्सप्रेसवे टोटल 5 स्टेट में से होकर गुजरेगा, जिनके नाम है हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। अब अगर बात करें इसकी प्रोग्रेस के बारे में तो बताया जा रहा है कि 1390 किलोमीटर में से अभी तक 738 किलोमीटर लंबा जो ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है वो बनकर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। और बताया जा रहा है कि जो ये पूरा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है वो 2024 में बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इंडिया के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट। तो वेल प्रोजेक्ट तो सारे ही अच्छे थे, मतलब सारे प्रोजेक्ट्स वाकई मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। और अच्छा, मेरे माइंड में इसमें एक प्रोजेक्ट है जो कि नहीं है, अहमदाबाद से मुंबई, अहमदाबाद और मुंबई के दरमियान में कोई हाइपर लूप का या तो बुलेट ट्रेन का, शायद हाइपर लूप नहीं है, शायद बुलेट ट्रेन है, इन दोनों में से किसी एक का काम हो रहा है। तो वो मेरे ख्याल से वो 2030 तक या 2028 तक इनका कंप्लीट होगा। बट ये जितने प्रोजेक्ट्स थे इन सब में एक तो महंगा प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट है जो सबसे लास्ट में बताया गया। अच्छा, मुझे पता है क्या लगता था शुरू से ही, ये तो मुझे अभी इससे पता चला है, मुझे हमेशा यही लगता था कि दिल्ली और मुंबई के बीच में ज्यादा फासला नहीं होगा, मतलब एक डेढ़ घंटे का फासला होगा। बट ये तो 24 घंटे अभी लग रहे हैं, जब ये कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद 13 घंटे लगेंगे। तो यार वाओ लिटरली। तो अगर आप लोगों का इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी ओपिनियन है आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।